कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और गौरव वल्लभ ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार की निंदा करें तो भाजपा नेता जवाब देते हैं कि हम तो चुनाव जीते हैं, तो फिर आज के बाद नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी की निंदा बंद कर दीजिए, वो सब भी चुनाव जीतकर ही सत्ता में आए थे। नड्डा जी की चिट्ठी का लबलबाव यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और हर बार जब इनकी कोई गलती की तरफ कोई उंगली उठाता है तो कहते हैं हम चुनाव जीत गए। तो आज के बाद नेहरू जी, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव जी, राजीव जी, किसी के खिलाफ आपको बोलने का हक नहीं, क्योंकि वो भी चुनाव जीत कर आए थे। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? चुनाव जीते हैं इसलिए सब कुछ माफ है। दंगे आप नहीं रोक पाते, और आप रोक क्या नहीं पाते, आप तो चाहते हैं कि समाज बंट के रहे, आप चाहते हैं समाज का ध्यान बटा रहे, ताकि आपकी जो रिकॉर्ड है बेरोजगारी का, महंगाई का, कोविड का, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, किसान, इन तमाम अपने जो फेलियर्स हैं उनको ढकने के लिए आप समाज को बांटते हो, और सत्ता में रहने के लिए आप सदैव, आज से नहीं, आपका इतिहास ये रहा है, पहले अंग्रेजों के लिए आप भारत को बांटने की कोशिश करते थे, अब आप अपने लिए करते हो, बस यही फर्क।